27 साल के सन्यासी का जलवा देखते रह गए बड़े बड़े उद्योगपति, क्रिकेटर और सुपरस्टार। बाबा ने 156 गरीब कन्याओं के शादी में दे दिया इतना बड़ा दहेज, देखकर दुनिया रह गई हैरान। चाहते तो खुद खरीद लेते करोड़ों की कार, बना लेते करोड़ों का आलीशान मकान, लेकिन गरीब बेटियों के लिए अपना सब कुछ कर दिया कुर्बान। 156 बहनों की विदाई करते हुए भावुक होकर रोने लगे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। सभी कन्याओं के विवाह में दिया 157 तरह का उपहार और दी एक एक बाइक। शादी में 50 लाख लोगों ने खाया खाना। शादी में शामिल हुए 10 लाख घराती और बाराती। दुनिया देखती रह गई ये अद्भुत नजारा। वीडियो को शेयर कर आप भी दे दो शादी की बधाई और कमेंट में लिख दो जय बागेश्वर धाम सरकार। जी, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, काम करो तो ऐसा करो कि पूरी दुनिया तारीफ करे। लोगों के लिए काम करो, अपने लिए तो दुनिया करती है। शायद इसी वजह से बागेश्वर बाबा ने भी इसी संकल्प के साथ 156 बहनों के लिए वो कर दिखाया जो आम तौर पर कोई किसी के लिए नहीं करता। बागेश्वर धाम छतरपुर में शुक्रवार को पंचम विवाह महोत्सव में 156 कन्याओं का विवाह हुआ। विदाई का दृश्य आंखें नम कर देने वाला था। शास्त्री से लिपटकर बहनें रोने लगी। विधि विधान के साथ शुभ मुहूर्त में इन सबकी शादी कराई गई। धीरेन्द्र शास्त्री ने आयोजन स्थल पर खुद दुल्हा दुल्हन का स्वागत किया। जयमाला की रस्म के बाद मेहमानों ने जोड़े को आशीर्वाद दिया। बकायदा मंडप में शादी हुई, 7 फेरे भी हुए। जोड़े को शादी में 157 तरह के उपहार दिए गए। दूल्हों को बाइक दी गई। रामायण और गीता जैसे ग्रंथ भी उपहार में दिए गए। नवविवाहित जोड़े आयोजन से बहुत ज्यादा खुश दिखे। जानकारी के मुताबिक इस साल 156 जोड़ों की शादी कराने वाले बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री अगले साल यानी 2025 में 251 निर्धन कन्याओं का विवाह करवाएंगे। उनका कहना है कि अगले साल उपहार के रूप में मोटरसाइकिल देने के बजाय जोड़ों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा निर्धन कन्याओं का विवाह कराया जा सके। हमारे हिसाब से सोच हो तो ऐसी हो, अपने लिए तो दुनिया सोचती है, लेकिन बागेश्वर बाबा उन महिलाओं के लिए सोचते हैं और उन कन्याओं के लिए सोचते हैं जो कि अनाथ है या फिर जिनके पास पैसे नहीं है। ये आयोजन कितना बड़ा था इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बागेश्वर धाम में आयोजित सामूहिक कन्या विवाह समारोह में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी शामिल हुए। उन्होंने आयोजन की तारीफ करते हुए कहा कि अगर बागेश्वर महाराज सरकार चाहे तो विवाह आयोजन के लिए सरकार मदद को तैयार है। समारोह में शामिल होकर जीवन धन्य हो गया। उन्होंने जोड़ों को भरपूर आशीर्वाद दिया। एक तरफ अंबानी अपने शादी में विदेश से पॉप स्टार बुला बुला कर एक रात नचाने का करोड़ों देते हैं, दूसरी तरफ बागेश्वर बाबा जैसे महाराज उतने ही पैसे में 156 कन्याओं का विवाह करा देते हैं, उन्हें उपहार भी देते हैं, अपनी तरफ से उन्हें बाइक भी देते हैं। और शायद इसी वजह से इस वक्त हर तरफ उनकी ही चर्चा हो रही है। हर कोई बाबा बागेश्वर का भक्त बन चुका है, हर कोई उनके बारे में बात कर रहा है, तारीफ कर रहा है और उनके प्रवचन को सुनने दूर दूर से आ रहा है। आम लोगों से लेकर वीआईपी तक सब बाबा बागेश्वर के आगे नतमस्तक हो गए हैं, क्योंकि वाकई में बाबा ने कर दिया है ऐसा काम पूरी दुनिया कर रही है, झुककर सलाम। अपने लिए तो दुनिया जीती है, कभी बागेश्वर बाबा की तरह दूसरों के लिए जी कर देखिए।